गुड मॉर्निंग एवरी वन, लेट्स कॉन्टिन्यू विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू ऑल रिमेंबर वी हैव डन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ. इन ओम्स लॉ इफ यू रिमेंबर, वी इज इक्वल टू आई आर. सो आर इज इक्वल टू वी बाय आई, और यू कैन सी आई इज इक्वल टू वी बाय आर. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन सी वेरी इजिली दैट इफ आई इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, its current will decrease. That means resistance is inversely proportional to current. If I keep on increasing resistance, current will keep on decreasing. That is why, if you remember, what was the definition of resistance? Resistance was obstruction in the path of current. Obstruction in the path of current is called resistance, right? And SI unit of resistance was ohm, OHM. Now today I am going to teach you children on what factor resistance depends. Kis factor pe resistance depend karta, aur bahut sundar ispe numerical aate hain. So I come to NCRT page number 206. You can open NCRT and see page 206 NCRT. The topic is now factors on which resistance depends, right children? So I must tell you children, resistance depends on three factors, out of which two are mathematical. So resistance depends on, number one, length of the conductor. This means here resistance is directly proportional to length, which means more length, more resistance; less length, less resistance. So I write here children, more length, more resistance; less length, less resistance. Right? अगर 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर की वायर ले लूंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. 20 सेंटीमीटर की जगह 50 सेंटीमीटर की वायर ले लूंगी तो जितनी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. सेकेंड इज चिल्ड्रन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है बेटा, तार अगर मोटी है, थिक है, तो थिक वायर का एरिया ज़्यादा है, और जिस वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी. पतली वायर्स, पतली वायर का मतलब है थिन वायर बेटा. थिन वायर का रेजिस्टेंस, क्योंकि एरिया कम है इसलिए उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दिस मीन्स मोर एरिया, मोर एरिया मतलब मोटी वायर, थिकर द वायर, लेसर द रेजिस्टेंस. और देखो बच्चों, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना सर्किट में करंट आसानी से जाएगा. तो अभी आपको मैं लिखवाऊंगी सर्किट बनाने के लिए कैसी वायर का इस्तेमाल करें, थिक या थिन. तो थिक, क्यों? थिक माने मोटी वायर, मोटी माने मोर एरिया, मोर एरिया माने लेस रेजिस्टेंस. लेस रेजिस्टेंस मींस इजी फ्लो ऑफ करंट. देन कम्स लेस एरिया, थिन वायर, पतली वायर, तो मोर रेजिस्टेंस. और थर्ड फैक्टर बेटा होता है इसमें नेचर ऑफ मटीरियल. मतलब कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है. तो अब अगर मैं मैथमेटिकल फैक्टर्स जोड़ूं, कंबाइनिंग, जॉइनिंग मैथमेटिकल फैक्टर्स, चिल्ड्रन, इफ आई जॉइन मैथमेटिकल फैक्टर्स आई विल गेट आर प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. Proportionality is always removed by some constant. Here this constant is rho. ध्यान से देखिए मैंने इस word को क्या pronounce किया है, rho, R H O. आप भी मेरे साथ pronounce कीजिए, what is this word called, rho. R is equal to rho L by A में ये जो rho है, this is called constant of proportionality, right? और इसे कहते हैं बेटा रेजिस्टिविटी
या इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया। पहले तो मैं आपको यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना सिखाती हूँ। रेजिस्टिविटी को यहीं रहने दो, बाकी टर्म्स उस तरफ ले जाओ बेटा। तो रेजिस्टिविटी आ गई R इंटू ए बाई एल, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट बनता है मेरे पास ओम मीटर, राइट। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। अब मैं आपको यहीं पहले, इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल कराऊं, मैं आपको बता देती हूँ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स होते हैं, नंबर वन नेचर ऑफ मटीरियल, एंड सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा मटेरियल के टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा बेटा, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, मैं आपको उन सब की रेजिस्टिविटी बता के एक टेबल भी दिखाऊंगी बुक में से। या तो वो मेटल होते हैं, या वो अलॉयज होते हैं, या वो इंसुलेटर होते हैं, राइट। सबसे कम रेजिस्टिविटी मेटल की, उससे ज़्यादा अलॉय की, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर की। इंसुलेट जितनी रेजिस्टिविटी, एक तरह की रेजिस्टेंस ही होती है, मैं भी आपको डिफाइन करना भी सिखाऊंगी रेजिस्टिविटी को। जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उतना करंट कम फ्लो करेगा, और जितना करंट कम फ्लो करेगा वो उतना बैड कंडक्टर है। तो यानी वो क्या, किसकी तरफ जा रहा है? इंसुलेटर की तरफ। तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की वेरी हाई, हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। तो अगर मैं एक टेबल बना दूँ तो आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की, फिर अलॉय की, और एंड में होती है मेटल की। आप सभी बच्चे एनसीईआरटी पेज 207 पे अगर आप देखेंगे तो बेटा ये पूरा एक टेबल बना हुआ है। देखो इसमें सबसे पहले कंडक्टर यानी मेटल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, इन सब की रेजिस्टिविटी दे रखी है। आप देखेंगे इसका ऑर्डर है 10^-8, -6 इस तरह से। फिर ये अलॉय है, अलॉय समझते हैं बेटा, मेटल और नॉन मेटल या मेटल और मेटल के मिक्सचर। तो तीन पॉपुलर अलॉय हैं, कॉन्स्टेंटन, मैंगनिन, नाइक्रोम। कॉम्पोजिशन भी पढ़ लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है। अगर आप देखें, यू नीड नॉट मेमोराइज दीज वैल्यूज, यू कैन यूज दीज वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हैं। फिर इंसुलेटर की देखो कितनी ज़्यादा है, 10^4, 10^14, 17, 12, 15, राइट। तो यानी कंडक्टर की सबसे कम, उससे ज़्यादा अलॉय की, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है। ये ऊपर ऑर्डर भी दे रखा है, जिसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बात आप याद रखेंगे कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, अलॉय की उससे कम, कंडक्टर की सबसे कम। अब इस पैराग्राफ में दो क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो बेटा, ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, वो डिवाइस जो हीट पैदा करते हैं करंट से, जैसे आपकी प्रेस, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, हीटर, गीजर, ये सारे मटेरियल अलॉय के बनते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल। इसका आंसर इस पैराग्राफ में लिखा है, मैं रीड कर रही हूँ, अभी नोट्स में भी लिखवाऊंगी। दो रीज़न है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं वो अलॉय से बनते हैं। रीजन नंबर वन, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, इसलिए बनते हैं क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है। सेकेंड,
अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर. ये मैं आपको बुक में इसलिए भी दिखा रही हूँ कि आप बुक में से मार्क कर लेंगे. फिर दो क्वेश्चन इसमें और बनते हैं. देखो, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब. एक वन मार्क क्वेश्चन आता है, नेम द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब. और लास्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर. आपके घरों में स्विच होगा, तो स्विच से तार जो जा रही है पंखे तक, ट्यूबलाइट तक, वो कौन सी तारें हैं? स्विच से वायर का आगे जाना. यू ऑल हैव सीन अ स्विच, लेट मी शो यू अ स्विच. कैन यू ऑल सी द स्विच बटन? इस स्विच से ये जो तारें जा रही हैं, ये वायर किस चीज की बनी होती है? तो ये स्विच है, मैं इसे बंद करती हूं. कैन यू सी लाइट इज बिकमिंग डिम? मैंने इसे ऑन किया, लाइट बढ़ गई. तो इस स्विच से ट्यूबलाइट की तरफ ये जो लाइट जा रही है, इस कौन सी वायर से बनती है? तो ये वायर होती है बेटा जी कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सो आई टेक यू बैक टू द बुक. आप सब इसमें से देखेंगे और इन टॉपिक के मैं तीनों क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वॉज पेज नंबर 2078, अगर आपने ध्यान से देखा हो. क्वेश्चन नंबर 1, why heating devices are made up of alloys rather than metal, right? बहुत important question है बेटा, और CBSE में भी बहुत आता है. Answer number 1, पहली बात, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि number 1, resistivity of alloys is more than resistivity of metals. And second reason, alloys do not burn or oxidize easily at high temperatures. अच्छी तरह आंसर याद कर लेंगे, बहुत आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में. दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? नेम द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड व्हाई, राइट? कौन से मटीरियल का फिलामेंट ऑफ बल्ब बनता है और क्यों? तो क्या आंसर था, अगर आपने मेरे साथ उस पेज को पढ़ाओ, टंगस्टन. व्हाई? बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जल्दी से बल्ब कितना भी गर्म हो जाए पिघलता नहीं है, राइट? टंगस्टन यूज होता है बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई. और तीसरा क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें, नेम द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन एट होम. आई होप आप सब नोट्स कंप्लीट करते हैं जो मैं भेजती हूँ. मैं किसी दिन भी कॉपी चेक करूंगी जूम मीटिंग में, इसलिए नोट्स कंप्लीट करने हैं सबने. नेम द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट होम या डोमेस्टिक पर्पस. तो कौन सी तारे इस्तेमाल करते हैं आप? कॉपर या एल्यूमिनियम, ठीक है जी? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये जो आपको मैंने पेज पढ़ाया है ये वाला, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये सभी, इनमें से एक, बाकी दो न्यूमेरिकल मैं करा चुकी हूँ, ये कभी करा रही हूँ. और ये जो ब्लू बॉक्स के 5 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको बुक में से भेजूंगी, वो आप लिख लेंगे. इसके बाद का टॉपिक है सीरीज पैरेलल, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है जी? तो ये रेजिस्टेंस एंड सीरीज पैरेलल तक आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, दैट इज पेज 215. यहाँ तक सब बच्चे अच्छी तरह कर लेंगे. एक न्यूमेरिकल जो बीच में आया है वो सभी बच्चों को करा रही हूँ, ध्यान दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या आता है देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टिविटी रो, इज स्ट्रेच्ड खींच के टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ. हाउ? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर अफेक्टेड.
चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन। एक वायर है बच्चा पार्टी ऐसी, जिसकी लेंथ है एल, जिसका एरिया है ए। इसे खींच के स्ट्रेच करके आपने इसकी लेंथ डबल कर दी है। पहले मेरे को बताओ, जब आप एक तार को खींचोगे तो वो उतनी रहेगी कि पतली हो जाएगी? पतली हो जाएगी ना। तो जब आप एक वायर को खींचते हैं, जब आप उसे खींच के डबल करते हैं, तो इसका एरिया हाफ हो जाता है बेटा। क्योंकि देखो, किसी का वॉल्यूम तो बदलता नहीं, डेंसिटी तो बदलती नहीं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, याद करो, उतना एरिया कम हो जाएगा। अगर ये ट्रिपल तो 1/3, ये 4 times तो 1/4, ये 5 times तो 1/5। हमेशा याद रखेंगे, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना एरिया कम होता जाएगा। तो आपके पास पुरानी ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी है? फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? R डैश इज रो एल डैश बाय ए डैश। एल डैश कितना है? 2L, और ए डैश कितना है? ए बाय 2। दिस विल गो अप, तो R डैश हो गया 4 rho L/A। चार बार देखेंगे, चाहे वीडियो आपको वापस करके देखनी पड़े। रो एल बाय ए क्या है? R। तो R डैश क्या हो गया? 4R। यानी न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times द ओरिजिनल। यानी अगर मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 2 है, तो अब नई कितनी हो गई है? 4 times, यानी 4 2 8। अगर पुरानी 3 है, तो 4 times बढ़ के कितनी हो गई? 12। इस क्वेश्चन को वीडियो वापस पलट पलट के दोबारा देखेंगे और अच्छी तरह करेंगे। मैं ये सारा काम ग्रुप पे भेज रही हूँ, लिख के मुझे दिखाइए दैट यू हैव कंप्लीटेड, देन आई विल सेंड वो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन, उसको कॉपी करेंगे। पेज नंबर 215 मैंने आपको बता दिया है, पेज 215 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट। अब मैं किसी भी बच्चे को ग्रुप पे नहीं बताऊंगी कि सिलेबस क्या है। मैं फिर से एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ पेज नंबर, मैंने अपनी इस YouTube में बता दिया है सिलेबस कहाँ तक है। कोई बच्चा मुझे ग्रुप पे ना भेजे सिलेबस क्या है, वीडियो देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। आई एम टेलिंग यू एवरीबडी, टिल पेज 215 इज द सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे, कंप्लीट योर नोट्स एंड सेंड मी इन द वर्क। गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।